हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे। एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, कि आने वाले 18th को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप सारे शेयर को देखेंगे, मतलब जो भी बड़े लार्ज कैप शेयर हैं, ठीक है, और भी शेयर्स हैं, वो एक किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। और वो एक यहाँ पे देख अगर हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि रिसेंट अगर यहाँ पे कोई मेजर एक्टिविटी होने वाली है तो बजट का होने वाला है, तो इसका हो सकता है वेट हो रहा है। बजट के एक दो दिन पहले आपको थोड़ा सा डायरेक्शन क्लियर होगा, लेकिन जैसा इलेक्शन में हुआ था आपको याद होगा, ठीक है, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरा था, फिर ऊपर की ओर चला गया। तो ये सारे पॉइंट को हम लोग कंसिडर करते हुए सही से ट्रेड करेंगे, SL के साथ ट्रेड करेंगे, ठीक है। अभी जो प्राइस एक्शन पैटर्न बना है ये थोड़ा सा, अगर आप इसका मैं बिहेवियर जब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर जाता तो ज़रूर है, लेकिन इन लेवल से फास्ट सेलिंग आती है और ये नीचे चला जाता है। फिर जब ये नीचे आता है तो नीचे से थोड़े फास्ट बाइंग आती है, फिर ऊपर जाता है और फिर नीचे आके कहीं ना कहीं क्लोज कर देता है। तो यहाँ पे इसको ट्रेड करना मतलब थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग सिंपली अपना जो प्राइस एक्शन पैटर्न है, ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम पे अगर इसको फॉलो करेंगे तो अच्छा पैसा यहाँ पे बन सकता है। अब ये वाला प्राइस एक्शन पैटर्न था कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा था यहाँ से बनेगा, लेकिन अब ये वाला पूरा का पूरा लेंथ देखेंगे तो उसके हिसाब से ये वाला लेंथ सही है, ठीक है। ये वाले लेंथ अगर देखेंगे, ये बॉक्स का जो साइज है, ये इस बॉक्स के साइज पे है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं कम से कम, क्योंकि ये बहुत पास में हो गया था। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखने जाएंगे तो ये वाला जो प्राइस एक्शन पैटर्न है ये यहाँ बन सकता है, और अगर ये यहाँ पे बनता है तो इसका 1:1 बहुत जल्दी हम लोग को मिलेगा, राइट। लेकिन अगर ये यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है तो अगेन हम लोग ये वाला प्राइस एक्शन पैटर्न हो सकता है थोड़ा और टाइम लगेगा, एंड उसके बाद जब ये बनेगा तब हम लोग ऊपर के बारे में प्लान करेंगे। लेकिन अभी हम लोग को क्या प्लान करना चाहिए, अगर हम लोग यहाँ पे इसको देख रहे होंगे तो कुछ नहीं, तो हमें रिसेंट हाई तो हमारा 3030 था, 37 था, जिसके ऊपर हाई ब्रेक हमें क्लोजिंग चाहिए था। तो हम लोग इसके लेवल के ऊपर 3040 के ऊपर हमें अगर डेली टाइम फ्रेम पे कोई क्लोजिंग मिलता है, 5% 6% कितना भी बड़ा कैंडल हो, ठीक है, क्लोजिंग मिलेगा, उसके बाद हम ऊपर की कुछ प्लानिंग करेंगे। नो डाउट अगर बड़ा कैंडल बनाता तो रैली का थोड़ा सा पार्ट चला जाएगा, वो चलेगा, लेकिन हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तब हम लोग यहाँ पे जाके कोई भी यहाँ पे डिसीजन लेंगे। क्योंकि हमने क्या बात किया था, वन आर टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोजिंग मिलना चाहिए, तो वन आर टाइम फ्रेम पे भी हमें इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिला है, राइट। तो एटलीस्ट वन आर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लोजिंग मिलता है तो एक छोटी सी क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे छोड़ सकते हैं अपनी, मतलब पिरामिडिंग कर सकते हैं एक तरीके से, इस लेवल पे बाई किया, इस लेवल से बाई किया, फिर यहाँ पे SL ट्रेल करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, राइट। तो जब बाकी का जो क्वांटिटी है, जब यहाँ पे इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज होगा, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट कर रहा होगा लेटेस्ट हाई, रिसेंट हाई, रिसेंट डे का, तब हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है, लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम ज़रूर है, ठीक है, इसके शेयर प्राइस में इस जैसा नैरो मोमेंटम अभी नहीं है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन तो पैटर्न बन रहा है, कैंडल भी बना रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। तो एक बार यहाँ से निकलता है तो हम लोग को एक मोमेंटम देखने को तेज़ी से मिलेगा। अब नीचे की बात करेंगे तो नीचे आज ये कल के कैंडल का लो मार्क कर लेते हैं, अगर ये यहाँ पे है और यहाँ पे कुछ नहीं तो हम लोग यहाँ पे 3020-30 का लेवल मार्क कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगर वन आर टाइम फ्रेम पे अब हम चले जाते हैं, ठीक है, वन आर टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग भी हुआ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग भी हो रही है, बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, तो वोलेटाइल है। वोलेटाइल के बाद हम लोग को यहाँ पे एक साइडवेज देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है थर्सडे को या फिर फ्राइडे को जब मार्केट ओपन होगा तो इन दोनों दिन ये मार्केट साइडवेज चला जाए। अगर साइडवेज जाता है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में एक मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं यहाँ से। अगर क्योंकि इसका अगर लेंथ देखेंगे तो कुछ नहीं तो कुछ यहाँ पे लगभग 100 रुपीज़ का लेंथ है, तो इसका जनरली अगर बड़ा कैंडल बनाता है तो 100 रुपीज़ के आसपास होता है। तो अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग तब जाके इसका यहाँ पे 100 रुपीज़ का एक कैंडल के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट में प्लानिंग करते हैं अपनी, और देखते हैं किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, पसंद आई लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।